दुनिया में एक से बड़े एक माफिया हुए हैं, लेकिन पाब्लो एस्कोबार जैसा कोई नहीं। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से कुख्यात था। पाब्लो इतना शातिर और खतरनाक था कि दूसरे खूंखार तस्कर भी उसको हफ्ता देते थे। इतना ही नहीं, दुश्मनों ने पाब्लो को मारने के लिए 16 अरब रुपए खर्च कर डाले थे। पाब्लो ने 1970 के दशक में कोकेन के कारोबार में कदम रखा था। इस दौरान उसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया। पाब्लो ने ड्रग्स के धंधे में काफी पैसा कमाया था। 80 के दशक में दुनिया भर के करीब 80% बाजार पर पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल को भागीदार थे। इतने बड़े अवैध धंधे के कारण एस्कोबार के काफी दुश्मन भी थे। पाब्लो को मरवाने के लिए उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर डाले, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। पाब्लो एस्कोबार के कारोबार में जिस किसी ने भी टांग अड़ाई, पाब्लो ने उसकी हत्या करवा दी। अपने दुश्मन की कार को बम से उड़ाना हो या फिर किसी बड़े नेता की जान लेना, पाब्लो के लिए ये सब मामूली बात हो गई थी। उसने पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक कोड़वा दिया था। इतना ही नहीं, कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक को बम से उड़ा दिया था। बताया जाता है कि पाब्लो ने करीब 4000 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें करीब 200 न्यायाधीश और 1000 पुलिस, पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि उसने ड्रग्स के धंधे में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी पूरी कमाई का 10% हिस्से को तो यूं चूहे ही कुतर गए थे। फिर उन्हें दीमक लग गई थी। एस्कोबार के पास इतना कैश था कि वो हर महीने करीब 2500 अमेरिकी डॉलर तो सिर्फ रबर बैंड पर ही खर्च कर देता था। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कोलंबियाई सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खुद ही खास जेल तैयार कराई थी। इस दौरान उसने शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। पाब्लो एस्कोबार अमेरिका की जेलों में जाने से डरता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन अमेरिका की जेलों में ना बीते। इसके लिए पाब्लो ने अमेरिका के सामने कोलंबिया के पूरे कर्ज को उतारने की पेशकश तक कर दी थी। बदले में उसने प्रत्यर्पण कानून में बदलाव की मांग भी की थी। पाब्लो को 44 साल की उम्र में गोली मार दी गई थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की जेल में नहीं जाना चाहता था। और ऐसी ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय करंगदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है।